अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मोटिवेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल अफाक मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। जुज नंबर ए, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी की निशानदेही करेंगे, फिर हम हर जो यानी लेटर है उनके नीचे अपना रेशियो जो फिगर है वो लिखेंगे। जैसा कि ए रेशियो बी जो है वो 4:5 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 4:5 यानी ए रेशियो बी का 4:5 फिगर, और बी रेशियो सी का 5 यानी बी जो है वो उनका जो फिगर है 5 है, रेशियो दरमियान में आता है और सी का फिगर जो है 6। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि जब हमारे पास जो दरमियान वाला फिगर है यानी फर्ज का ये फिगर, अगर ये कॉमन आ जाए तो इसका नहायत आसान तरीका है, ये 4 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, रेशियो 5 में से एक को कॉमन किया, 5 लिख लिया और ये 6 यहाँ पर हमने डाला, ये रहा इसका आंसर। बढ़ते हैं जूज नंबर बी की तरफ। इफ डी रेशियो ई इज इक्वल टू 2:6 एंड ई रेशियो एफ इज इक्वल टू 7:8, देन फाइंड डी रेशियो ई रेशियो एफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये जो क्वांटिटी लिखा है डी रेशियो ई रेशियो एफ, यानी इसी तरह हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है, डी रेशियो ई हमारे पास है 2:6, यहाँ पर इसको पुट करना है। अब ई रेशियो एफ जो है ये नीचे पुट करना है, ई रेशियो एफ 7:8 यहाँ पर मैंने पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तरीका कार यही है, 2×7=14 यहाँ पर बन जाएगा। 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6×7=42, और 6 को यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6×8=48, इसका कंटिन्यूड रेशियो का बिल्कुल यही तरीका है। अब हम इसको चेक करेंगे, ये सारे जो टर्म्स है मेरे ख्याल में ये 7 पे डिवाइड होते हैं, ये 7, लेकिन ये 7 पे डिवाइड नहीं होते, ये 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे। अब हम इन तीनों जो फिगर्स है इनके लिए ऐसा टेबल चूज करना पड़ेगा जो तीनों जो है तीनों नंबर इस पे तकसीम होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 2 7 14, यहाँ पर 7 गया, 2 21 42, यहाँ पर 21 आ गया, और यहाँ पर 2 24 48, यहाँ पर 48 आई। इसे आगे हम चेक करेंगे कि एक ही टेबल पर तकसीम होते हैं या नहीं, नहीं चूंकि 7 प्राइम नंबर थे, 21 इज डिवाइजेबल बाई 7, ये तो 7 पे तकसीम होता है लेकिन 24 तकसीम नहीं होते, इसका मतलब ये है कि ये जो है 7:21:24 ये रहा इनका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि 7th क्लास यानी एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यूड रेशियो से आप बखूबी वाकिफ होंगे। वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक अगले वीडियोस के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।